जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होती है। और इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपके पास यहाँ मौजूद हूँ। आप देख रहे स्टार मीडिया और मैं हूँ आपके साथ निशा। शिक्षा, एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ में, ये बताने के लिए आज मैं आपके पास मौजूद हूँ एक ऐसी स्टूडेंट के साथ जो आपको बताएगी कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और ख़ास तौर पर जब आपको कहीं खुद को रिप्रेजेंट करना होता है तो एजुकेशन कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि एजुकेशन आपको बनाने में, आपको संवारने में कितना अहमियत रखता है। आपका नाम? आयुषी सहारन। आप किस कोर्स में हो? मैं BBA में हूँ। BBA में। और आपने ये अवार्ड किस लिए जीता? एकेडमिक एक्सीलेंसी में। आप मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ से पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कंप्लीट कराया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पार्ट थर्ड में आके आपने अपने आप को कैसे ग्रो करते हुए देखा एज अ स्टूडेंट? सी, एज अ स्टूडेंट जो मुझमें चेंजेस लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिसिप्लिन, देन इन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप में काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे यहाँ के फैकल्टीज से भी, एंड जो भी एक्सपोजर हम लोगों को यहाँ पर मिलता है तो उसने मुझे मेरी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प किया है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि IAMR में जितनी भी फैकल्टीज़ है BBA डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सी, यहाँ के फैकल्टीज़ आई थिंक बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, बिकॉज वो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, प्लस एवरी टाइम दे आर रेडी एंड दे आर स्टैंडिंग विद अस। सो मुझे यही लगता है कि किसी भी चीज़ में हमेशा वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो फैकल्टीज, मैं यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, अगर BBA डिपार्टमेंट में किसी फेवरेट टीचर को चुनना हो तो आप किसका नाम लें? सी, मेरी मेंटर निधि मैम है एंड शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। एंड फेवरेट का मतलब ये नहीं है कि बाकी टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बट हाँ, शी इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स। तो हमने आयुषी के फेवरेट टीचर के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में, जो मिस्टर मनीष कुमार है। आप उनको क्या, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग मनीष सर का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हम सबके डेवलपमेंट में। तो मैं तो अपनी जो भी मेरी सक्सेस अभी तक रही है, मैं ऑलमोस्ट उसका कुछ पार्ट मैं सर को डेडिकेट करना चाहूँगी। और आप मुझे ये बता कि आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है यहाँ BBA कंप्लीट करने के बाद? अभी फ़िलहाल तो मैं जॉब के लिए ही अप्लाई करूँगी आफ्टर BBA, देन आई विल गो फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। आप IAMR के बारे में क्या कहना चाहती है? आपने जिस कोर्स में एनरोल किया है उसके अलावा भी यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप क्या कहना चाहती है पर्टिकुलरली पूरे कॉलेज के बारे में? सी, पर्टिकुलरली कॉलेज, IAMR इज़ द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी। ओके, किस रीज़न से आप इसको बेस्ट कहती हैं? फैकल्टीज़ के लिए, या एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, या फिर क्या रीज़न क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक्सपोजर पार्ट, तो मेरे हिसाब से एक्सपोजर मुझे यहाँ पर काफ़ी मिला है, एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे फैकल्टीज़, यहाँ की जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ट्राई करती है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। तो वही मुझे लगता है कि IAMR का बेस्ट पार्ट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो मैं चाहती हूँ अब जो BBA करना चाहते हैं, अब जो न्यू ईयर में एडमिशन लेंगे, मैं चाहती हूँ आप उनको एक मैसेज दें उन स्टूडेंट्स को कि उनको क्या गोल लेके यहाँ आना चाहिए IAMR में। सी, स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, सबसे पहली बात तो उनको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप में बहुत हेल्प मिलेगी। देन सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ के टीचर्स यहाँ पे जो भी आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं उनसे आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी सीखने को मिलेगा। तो आई होप यू विल चूज़ IAMR। थैंक यू सो मच आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि एजुकेशन जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और कितनी अहमियत रखती है स्टूडेंट को पर्सनली ग्रो करने में। तो जैसा कि आपने सुना, आयुषी ने हर एक टिप्स बताए और IAMR के बारे में भी बताया कि यहाँ के जो BBA डिपार्टमेंट है उसके फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बच्चों को सपोर्ट करते हैं टू लर्न एंड टू अर्न ऑल्सो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो शिक्षा का जो जड़ है वो भले ही कड़वा होता है, लेकिन इसका फल जो है वो बहुत मीठा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।